हेलो गाइस, आज मैं आपको दक्षिणी राजस्थान के एक छोटे से गांव के बारे में बताने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे अरावली की वादियों में, अरावली की सुंदर सी वादियों में यहाँ पर छोटे छोटे आकार के जनजातियों के खेत होते हैं और जनजाति वर्ग यहाँ पर खेती करते हैं। अभी नवंबर का महीना है, इन्होंने मक्के की फसल को इन्होंने काटा था और उसके बाद में अभी ये जो जुताई करके तैयारी कर रहे हैं गेहूँ की फसल बोने की। और मोस्टली इन्होंने गेहूँ की फसल कुछ खेतों में बो भी दी है, कुछ खेतों में पराली जलाई जा रही है। हालांकि दिल्ली के पास वाले एरिया में तो पराली जलाने पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में खेती में पराली नहीं जलाई जाती है। और पीछे आप देख सकते हैं कि अरावली की सुंदर सुंदर सी वादियाँ दिखेगी आप। बकरियाँ चल रही है यहाँ पर और ये यहाँ पर जनजातियों के जो खेतों के पास में ही इनके घर होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे और डिस्टेंस पे रहते हैं इनके घर। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे से जो हिल्स लग रहे हैं आपको, जो दिख रही है छोटी छोटी सी हिल्स, ये अरावली रेंज की हिल्स हैं। और राजस्थान के दक्षिणी एरिया में जो जनजातियाँ होती हैं उनमें से भील सबसे कह सकते हैं कि हाँ बड़ी जनजाति है, और गमेती, गरासिया, इस प्रकार की सारी यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ये खेती के साथ साथ पशुपालन में भी ये रोज़गार ढूंढते हैं अपना, और साथ ही इनका जो मेन काम होता है वो मजदूरी और ये जो मकान बनाने में चुनाई वगैरह, इस टाइप का मिस्त्री वाला काम इनका रहता है। और बाकी के लोग यहाँ पर खेती वगैरह करके और छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से अरावली की गोद में ये छोटा सा एक एरिया है। देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार की छोटी छोटी सी इन्होंने कच्ची झोपड़ियाँ बना रखी हैं। ये हमें सुंदर लग सकता है कि अरावली की गोदी में यहाँ रहने का थोड़ा सा अलग ही एडवेंचर होगा, लेकिन ये तमाम असुविधाओं के साथ यहाँ इनको रहना पड़ता है। और साथ में ही यहाँ पर इनके पास में छोटे छोटे आकार के खेत हैं। इस एरिया में काफ़ी छोटे आकार के खेत होते हैं और यहाँ के जो जनजाति वर्ग हैं काफ़ी ज़्यादा, कि इनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं रहता, ये गरीब होते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन ये करते हैं। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ये पालन करते हैं, इतने दूर दूर इनके घर होते हैं। ये एक और खेत, यहाँ पर जनजाति महिलाएँ खेती कर रही हैं। ये काफ़ी सुंदर होती है, ये बात तो है कि जनजाति महिलाएँ, इनका एक अलग ही, इनके अंदर एक अलग ही सुंदरता होती है। जनजाति महिलाओं में, सिर्फ महिलाओं में नहीं, सारे लोग काफ़ी सुंदर होते हैं। ये आम का पेड़ पीछे देखिए, चौकटी, और रोड के पास में ही ये अपना जैसे इन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, छोटे छोटे से स्टॉल लगा रखे हैं, तो वहाँ पर आने जाने वाले लोग जो होते हैं सड़क से, वो वहाँ पर स्नैक्स के लिए रुक जाते हैं और इससे उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है आजीविका में। ये देखिए ये जो है पेड़, ये खजूर के पेड़ हैं। ये देखिए एक स्टॉल जिसके लिए मैंने आपको बताया था। इस प्रकार के पक्षियों में ये आना जाना इनका जो रहता है, परिवहन का एक साधन है इनके लिए ये, और इस टाइप की ये स्टॉल लगाते हैं सड़क के किनारे। खेती में काफ़ी ज़्यादा सहयोग होती है, ये जो
हालांकि जो हरियाली है वो जैसे केरला और पश्चिमी घाट वगैरह नॉर्थ ईस्ट में जो रहती है इंडिया के उससे काफ़ी कम है, और अरावली का भी काफ़ी ज़्यादा खनन हो चुका है ये जनजाति वर्ग।